नमस्ते बच्चों, मैं आपका अपना एस के सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल केमी टेक जेएनवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस का सेकंड चैप्टर। ये उसका पहला वीडियो है बच्चों और उस चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। क्या है ये तीनों? जितने भी सब्सटेंस है उन सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो हम पहले पढ़ते हैं इनके कुछ जनरल करेक्टर्स पढ़ते हैं बच्चों। तो टॉपिक का मैं नाम लिखता हूं बच्चों, हमारे पास जो हम पांच पढ़ने वाले हैं एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो फर्स्ट आते हैं एसिड्स क्या है, बेसेस क्या है। इन दोनों में हल्का सा हम डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं। तो एसिड्स और यहां आ गया बच्चों हमारे पास बेसेस, इनमें क्या डिफरेंस है? मोटा मोटी इनमें जो डिफरेंस है वो 6 डिफरेंस है। तो ये इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी है। फर्स्ट क्या है एसिड्स का? श्योर इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। कौन खट्टे होते हैं? एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, ये बच्चों कड़वे होते हैं। तो हमने पहला डिफरेंस तो पढ़ लिया एसिड और बेसिस का। पहला डिफरेंस टेस्ट होता है इनका श्योर, इनका बिटर होता है। अच्छा, आपने एसिड्स तो देखे होंगे, जितने भी हमारे लेमन है, ऑरेंज है और टेमरिंड है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में आता है, टोमाटोज है जो हम खाते हैं, ये सब में क्या है बच्चों? एसिड है। तो ये एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? श्योर होते हैं। बेस का हमने पढ़ा है बच्चों, साबुन जो है हमारा जो घर में यूज आता है सोप, वो बिटर है। कई बार बच्चों जब घर में जो हमारे पेरेंट्स बादाम लेके आते हैं, यदि कोई बादाम कड़वी निकल जाए, बिटर कड़वा टेस्ट है उसका। रीज़न क्या है? उसमें एल्केलॉइड्स है और एल्केलॉइड जो है वो बेसिक होते हैं। सेकेंड बच्चों यहाँ पर ये क्या काम करेंगे? एक बच्चों नाम है अनिल, अनिल ए का मतलब, ये बच्चों हिंदी में है, ए का मतलब है एसिड, एन आई का मतलब है नीला और एल का मतलब है लाल। एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो एसिड्स क्या काम करेंगे? ब्लू लिटमस, नीला का मतलब ब्लू लिटमस को कैसा कर देंगे? रेड कर देंगे। तो बेस इसका ठीक अपोजिट करेंगे। बेस क्या काम करेंगे बच्चों? बेस हमारे रेड लिटमस को, रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे? ब्लू कर देंगे। तो ये बच्चों हुआ इनमें दूसरा डिफरेंस। एसिड्स क्या काम? अनिल नाम याद रखना, ए एन आई एल, ए का मतलब एसिड, एन आई का मतलब नीला, एल का मतलब लाल है। तो ये हो गया बच्चों, एसिड्स ब्लू को रेड करेंगे और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इनमें अगला डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है बच्चों सारे। ये जो है ये किससे रिएक्शंस कर देते हैं? रिएक्शंस विथ एसिड है तो रिएक्शंस विथ बेसिस या बेस से, ये बेस से रिएक्शंस करते थे। यहाँ क्या लिखूँ मैं? ये किससे रिएक्शंस करेंगे? रिएक्शन विथ एसिड्स। तो ये जितने भी एसिड्स हैं वो सब बेस से रिएक्शंस कर लेते हैं, जितने भी बेस है वो सारे एसिड से रिएक्शंस कर लेते हैं। एसिड कौन से, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसिड में कंसिडर होगी? तो यहाँ बच्चों हम एक तरह से, यहाँ मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का हल्का सा रिव्यू कर रहा हूँ। बेसिक कौन होते हैं? एसिड है, बेस से रिएक्शंस करेंगे तो बेसिक होते कौन कौन है? तो कौन कौन बेसिक है? पहला तो जो बेस है वो तो बेसिक है ही है। कौन है बेस? NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस है। इसके अलावा कौन है बेसिक? जनरली सभी मेटल जो है वो बेसिक होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब इन एसिड की इन बेस से रिएक्शन भी हो जाएगी, मेटल से भी हो जाएगी, क्योंकि मेटल जो है वो बेसिक होते हैं। और किन से कर लेंगे? ये हमारे कर लेंगे बच्चों मेटल ऑक्साइड से भी कर लेंगे। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने से जो बनता है वो मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी कैसे होते हैं बच्चों? वो भी बेसिक होते हैं। तो ये मेटल से भी कर लेंगे, मेटल ऑक्साइड से भी कर लेंगे, और लास्ट है बच्चों ये बेसिक सॉल्ट से कर लेंगे। बेसिक सॉल्ट
ये क्या है सर बेसिक सोल? सोल का जब हमारा बड़ा टॉपिक आएगा तो हम समझेंगे कि सोल तीन तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल। तो यहाँ कौन से सोल से रिएक्शंस कर लेंगे? ये बेसिक सोल से इनकी रिएक्शंस हो जाएगी बच्चों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब से कौन रिएक्शंस कर लेते हैं बच्चों? इन सब से ये एसिड रिएक्शंस कर लेते हैं। ये है, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? एसिड्स का मतलब जो एसिड हैं वो तो उनसे तो रिएक्शंस कर ही लेंगे। तो एसिड कौन कौन से हैं बच्चों? HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब से ये रिएक्शंस कर लेते हैं। दूसरा कौन है जो एसिडिक है? वो है नॉन मेटल। यदि बच्चों हमने यहाँ समझा कि मेटल बेसिक हैं तो नॉन मेटल कैसे हुए? एसिडिक होंगे, और इन एसिडिक से कौन रिएक्शंस कर लेगा? ये हमारा बेस रिएक्शंस कर लेगा। जैसे यहाँ था मेटल के बाद मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी किससे रिएक्शंस कर लेंगे? बेस से कर लेंगे। और लास्ट जैसे यहाँ था बेसिक सॉल्ट, तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट भी किससे रिएक्शंस कर लेगा? बेसिस से रिएक्शंस कर लेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट डिफरेंस यहाँ हुआ, सेकंड यहाँ हुआ, थर्ड यहाँ हुआ, और बच्चों फोर्थ में आ जाते हैं हम लोग। इन दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। रीज़न क्या है? इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस है, याद रखना बच्चों, आयंस है और वो फ्री भी हैं। तो यहाँ ये टर्म याद रखना, बोथ, यानी या तो एसिड का लिखता हूँ, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन से एसिड? तो यहां लिख देता हूं, देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और बेस में भी क्या होगा? बेसिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रिसिटियों को कंडक्ट करते हैं। तो ये बेसिक हमारे चार डिफरेंस हो गए हैं। अब दो डिफरेंस हो रहे हैं बच्चों, सिंपल सिंपल से डिफरेंस है। तो चलो बच्चों हम उन दो डिफरेंस को और पढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे। जो हमारा अगला पांचवा डिफरेंस है वो दोनों में लगभग सेम है, और वो है पीएच का। क्या है सर ये पीएच? आगे आने वाली है बच्चों, इसी चैप्टर में हमारे आगे आने वाली है पीएच। जो एसिड होते हैं उनकी जो पीएच है वो 7 से कम है बच्चों। 7 से कम का मतलब, इसका मतलब पीएच और ये है 7 से कम होगी। बेस की जो पीएच होगी बेसिक की, वो 7 से ज़्यादा होगी बच्चों। ये तो होगा पीपीएच का डिफरेंस। और नंबर 6 और लास्ट और काम का है, जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या काम करेंगे? एसिड्स इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एसिड्स क्या काम करेंगे? वाटर में डिजोल्व करने पर एसिड उस वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर देंगे। बेस क्या करेंगे? OH- माइनस आयन, यानी कौन सा है ये? हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर देंगे। यानी बेस क्या करेंगे? नंबर ऑफ OH- माइनस आयंस को बढ़ा देंगे। कब? जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। ये बच्चों हमारे 6 बेसिक डिफरेंस हो गए। तो हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ मैं। पहला डिफरेंस था टेस्ट का, ये एसिड श्योर थे, बिटर थे। सेकंड हमारे पास था लिटमस पेपर का वाला, तो यहाँ क्या करते थे? ब्लू को रेड कर देंगे एसिड, और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, थर्ड डिफरेंस हमारे पास है। एसिड जो है वो सारे बेसिक सब्सटेंसेस से रिएक्शंस कर लेते हैं, चाहे वो बेस हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो मेटल ऑक्साइड हो, चाहे वो बेसिक सॉल्ट हो। इसी तरह से जितने भी बेस हैं वो सारे एसिड से रिएक्शंस कर लेंगे। कौन? एसिड तो है ही है, उसके साथ अलावा नॉन मेटल या नॉन मेटालिक ऑक्साइड या एसिडिक सॉल्ट से रिएक्शंस कर लेंगे। बच्चा अगला हमारे पास क्या था? दोनों में कॉमन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीज़न है फ्री आयंस है इसके अंदर। पांचवा डिफरेंस इनके पीएच का था।
एक की पीएच 7 से कम है, एसिड की बेस की पीएच 7 से ज़्यादा है। और लास्ट डिफरेंस जो बेसिक हमारा है कि एसिड वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयंस के नंबर्स को बढ़ा देते हैं। यह कंसेप्ट हमारे टेंथ में है, तो हम इस टेंथ के कंसेप्ट को आगे बच्चों हम लोग समझ रहे हैं। और वाटर बेस क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करने पर OH- माइनस आयंस की कंसंट्रेशंस को बढ़ा देंगे बच्चों। तो ये तो हमारे बेसिक डिफरेंस हो गए। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे हम कहाँ चल रहे हैं, एसिड के बारे में। थोड़ा हम एसिड के बारे में और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो तब तक आप ये स्लाइड देखें, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ बच्चों। आप इस स्लाइड को देखते रहें, इस स्लाइड को देख लें, ढंग से देखें, और इसको यदि आपको लगे कि कहीं लिखना है तो आप इसे लिख भी लें। ये आपके कहीं ना कहीं लिखी हुई काम आएगी बच्चों, और यही आपके नोट्स भी बन जाएंगे। यदि आप इस स्लाइड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बच्चों यही आपके नोट्स भी बन गए हैं, और ये नोट्स आपके बहुत हेल्प आने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले। बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, पहला पॉइंट इंडिकेटर डाई है। तो बच्चों हम पहले पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर फर्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर क्या है, डाई है। डाई क्या होती है, डाई का मतलब होता है कलर। तो इंडिकेटर क्या है, कलर है। केवल जो बालों में लगाया जाता है कलर उसी को डाई नहीं कहते हैं, यहाँ डाई का मतलब कलर है। इंडिकेटर्स क्या है, डाई है, जो क्या काम आती है, विच इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, इन तीनों में से वो सॉल्यूशंस कौन सा है। विच इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। थर्ड, कैसे बताएंगे, इंडिकेट कैसे करेंगे, ये काम का पॉइंट है, बाय चेंजिंग देयर ओवन कलर। वो अपने खुद के कलर को चेंज करेंगे। ध्यान रखना, इंडिकेटर को जिसमें मिलाया जाएगा वो उसके कलर को चेंज नहीं करते हैं, वो खुद के कलर के को चेंज करके ये इंडिकेट करेंगे कि ये सॉल्यूशंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें ए ले लेता हूँ, इसमें बी। इस ए का मतलब एसिड नहीं माने, इस बी का मतलब बेस नहीं माने, हमें नहीं मालूम इनमें क्या क्या है। और यदि मैं आपको कह दूँ कि बताओ ए में कौन है, बी में कौन है, तब हमें ये पता लगाने के लिए ए में जो लिक्विड है, जो बी में जो लिक्विड है, वो कौन है, ये पता लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, उन केमिकल्स को हम इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर का आगे पढ़ते हैं बच्चों हम क्लासिफिकेशंस, इंडिकेटर कितने तरह के हैं। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। तो बच्चों मोटा मोटी जो इंडिकेटर है वो 6 तरह के हैं। अब उन 6 में से जो 2 हैं वो हमारे आगे आएंगे, तो हम यहाँ 4 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसका नाम है बच्चों, तो हम मैं पहले बता देता हूँ क्लासिफिकेशन में है क्या। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिकेटर, फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड हमारे पास कौन सा आएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब सबको मालूम है, जो लैब में बनाया गया है। थर्ड जो बच्चों आएगा वो बच्चों आएगा हमारे पास कौन सा है, थर्ड हमारे पास कॉमन इंडिकेटर। और बच्चों जो फोर्थ है वो है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है बच्चों। तो बेसिक ये 4 हैं, 2 और कौन से हैं, एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर और एक है बच्चों पीएच पेपर। ये हमारे आगे आएंगे, जब हम पीएच पढ़ेंगे तब आएंगे, तभी हम इनको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया गया है। नेचुरल का मतलब वो इंडिकेटर जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारे पास बच्चों इसमें आता है लिटमस।
लिटमस। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? थेलोफाइटा सब डिवीज़न है बायोलॉजी में, उसमें से एक प्लांट है, एक सिम्बायोटिक एग्जांपल है लाइकेन। उस लाइकेन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। और लाइकेन का जो लिटमस हमें मिलेगा लाइकेन से, उसका रियल का जो कलर होता है वो बच्चों पर्पल होता है। तो लिटमस का कलर पर कैसा है? पर्पल है। एक्चुअल कलर इसका पर्पल है, लेकिन हमें जो मिलता है वो या तो ब्लू मिलेगा या रेड मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? सिंपल सा कंसेप्ट है, लिटमस नेचर से मिला है। जो चीज़ नेचर से मिलेगी वो लंबे टाइम तक टिकती नहीं है, तो उसको लंबे टाइम तक टिकाने के लिए उसमें या तो एसिड या बेस मिला दो। जो ही आप इसमें एसिड या बेस मिलाओगे, इसका जो पर्पल कलर है या तो रेड हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। तो एक्चुअल कलर इसका पर्पल है, लेकिन हमें मार्केट में दो तरह का मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? या तो मिलेगा रेड और या मिलेगा ब्लू। अब इनके कलर पढ़ लेते हैं बच्चों। मैंने ठीक पहले आपको बता चुका हूँ, एसिड में अनिल नाम बताया था मैंने आपको। तो अनिल में ए का मतलब एसिड है, तो एसिड क्या काम करेगा? ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, यहाँ ए लिख देता हूँ। बेस क्या काम करेगा? रेड को ब्लू में चेंज कर देगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास। यदि ब्लू हमारे पास है और उस ब्लू में हम क्या मिला दें? एसिड मिला दें ब्लू कलर में, तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? रेड हो जाएगा। यदि हमारे पास रेड कलर का है, लिटमस है, और उसमें हम बेस मिला दें, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों? ब्लू हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया लिटमस के बारे में बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों अगला, सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। टर्मरिक का खुद का कलर कैसा होता है? येलो होता है। देखी होगी बच्चों हल्दी, टर्मरिक का मतलब हल्दी है, येलो कलर की होती है, और इसका जो एसिड में जो कलर होता है वो येलो ही होता है बच्चों। इसका एसिड में कलर चेंज नहीं होता, और इसका बेसिक मीडियम में या बेस में इसका कलर रेड हो जाता है बच्चों। ये आप आसानी से अपने घर पे करके देख सकते हो। यदि आपने थोड़ी सी हाथ में हल्दी ले लें, उस हल्दी पे जाके अपने थोड़ा साबुन लगा लें, तो उस हल्दी का जो कलर है बच्चों वो येलो से रेड हो जाएगा। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों नेचुरल इंडिकेटर का है। थर्ड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। अगला है रेड केबेज एक्सट्रैक्ट। ये क्या है? अरे नाम से मालूम है, रेड हटा दो एक्सट्रैक्ट हटा दो, केबेज पत्ता गोभी है, लेकिन इसका जो ये पत्ता गोभी है ये रेड कलर की है, तो इसका नेम है रेड केबेज, और इसका जूस निकाल लो वो कहलाएगा एक्सट्रैक्ट। तो किसका कलर कैसा होगा? सिंपल सा है, रेड होगा। रेड केबेज है तो उसका कलर कैसा होगा बच्चों? रेड होगा। अब एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम बच्चों इसका कलर जो है वो अलग अलग होता है। तो हम पढ़ते हैं इसका मीडियम, इसका कैसे कैसे मीडियम में कैसा कैसा कलर होगा बच्चों। एसिड में रेड ही रहेगा, ये एसिड के अंदर ये रेड ही रहेगा, और बेस में ये ग्रीन हो जाता है। तो ये है हमारे पास रेड केबेज एक्सट्रैक्ट। रेड नाम ही रेड केबेज है, तो इसका नेचुरल कलर रेड ही है, एसिड में भी रेड है। जैसे टर्मरिक खुद का कलर येलो है, एसिड में भी येलो है, तो दोनों में मिलता जुलता है। बस आपको एक कलर याद रखने हैं, रेड केबेज एसिड में रेड और बेस में ग्रीन। और बच्चों इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास। अगला एक है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया इसके जो फ्लोवर की जो पीटल्स होती है, फ्लोवर की जो पीटल्स है, फ्लोवर के बाहर जो ऐसे ऐसे जो पंखुड़ियाँ होती है, उन पंखुड़ियों का जो कलर है बच्चों वो डिपेंड करता है पीएच पर। यदि उसका जो कलर है वो ब्लू है, इसका मतलब है कि वो एसिडिक मीडियम में है। यदि उसकी पंखुड़ियों का कलर, हाइड्रेंजिया एक्सट्रैक्ट निकालो इसका भी, हाइड्रेंजिया का फ्लोवर लो, उसका जूस निकाल लो, उसके जूस को यदि आपने एसिड में डाला तो वो एसिड में उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लू। यदि आपने उसको बेस में डाला तो बेस में उसका कलर कैसा होगा बच्चों? पिंक होगा। इस तरह से बहुत सारे बच्चों एग्जांपल हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। तो बेसिक हमारे पास कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं बच्चों? चार हैं यहाँ पर। फर्स्ट कौन सा आया? लिटमस, कलर पर्पल, मार्केट में जो मिलता है या हमारी जो लेबोरेटरी में है वो ब्लू या रेड कलर का है। सेकेंड एग्जाम्पल किसका आया? टर्मरिक, कलर येलो, येलो कलर की है, एसिड में भी कलर येलो है, बेस में कलर रेड हो गया बच्चों।
थर्ड हमारे पास कौन सा आया, रेड के बेस एक्सट्रैक्ट, कलर रेड, एसिड में भी रेड, बेस में कलर उसका ब्लू हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ग्रीन, बेस में कलर हो जाएगा ग्रीन। और लास्ट हमारे पास है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया का एसिडिक मीडियम में कलर कैसा है बच्चों, ब्लू है, लेकिन बेसिक में कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गए, सारे नेचुरल इंडिकेटर। अब हमारे पास अगले कौन से इंडिकेटर आ रहे हैं बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर, आसान से हैं सिंथेटिक इंडिकेटर भी बच्चों, आसान से हैं। कौन कौन से हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में, दो हैं बच्चों हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर में। फर्स्ट है बच्चों हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नाम से मालूम है इसका खुद का कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। एसिड में भी, एसिड में कैसा होगा, ये रेड हो जाएगा, और बेस में कैसा होगा, ये येलो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज किस में है, सिंथेटिक में है, इसका मतलब ये मैन मेड है, ये हमें नेचर में नहीं मिलते। सेकंड इसी का एग्जांपल है बच्चों फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन है बच्चों ये। इसका कलर खुद का कलर कैसा होता है, कलरलेस है ये, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसा है ये। एसिड में भी इसका कलर कैसा है, कलरलेस है, कोई चेंज नहीं होगा कलर में, लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा बच्चों, ये पिंक कलर का हो जाएगा। ये दोनों कौन से इंडिकेटर हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ये लेब में बनाए गए हैं। तो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिया, नेचुरल भी पढ़ लिया। अब हम अगला कौन सा पढ़ते हैं बच्चों, अगला हमारे पास है कॉमन इंडिकेटर्स। तो कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन सोल्ट, कॉमन का मतलब जो लगभग सब जगह मिल जाए। सब जगह का मतलब यदि आपके स्कूल में है, और आपके स्कूल में यदि कोई छोटी मोटी लेबोरेटरी है साइंस की, या कोई बड़ी लेबोरेटरी है, तो वहाँ आपको जो इंडिकेटर्स मिल जाएंगे वो कहलाएंगे कॉमन इंडिकेटर्स। और तीन इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो बच्चों कॉमन इंडिकेटर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, सिंपल सिंपल से हैं, और वो तीनों हमारे ऊपर आ गए कहीं ना कहीं, एक नेचुरल है और दोनों सिंथेटिक हैं। यहाँ का कौन सा इंडिकेटर ले लूँ मैं नेचुरल में से, लिटमस, नेचुरल का लिटमस ले लो, लिटमस पेपर ले लो या लिटमस सॉल्यूशन ले लो, कोई भी ले लो, या तो रेड कलर का ले लें या फिर ब्लू कलर का ले लें, दोनों में से कोई ले लें। यहाँ से क्या ले लें, मिथाइल ऑरेंज, और यहाँ से क्या ले लें, फिनोल्फथेलीन। ये तीनों बच्चों, ये तीनों क्या कहलाते हैं, कॉमन इंडिकेटर। इन तीनों को कॉमन क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग ये सभी जगह मिल जाते हैं। तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशंस भी ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम कहाँ जाते हैं, सीधा हमारे चौथे क्लासिफिकेशंस में। नाम क्या है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ऑल्फैक्ट्री का मीनिंग किससे है, सिंपल सा है, रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल से रिलेटेड। ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनमें से एक सिस्टम है, पूरा ऑल्फैक्ट्री सिस्टम है। तो ये यहाँ पर क्या नाम है इसका, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है। किससे रिलेटेड है, सेंस ऑफ स्मेल से है, स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे दो एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, तीन है वैसे तो, हम दो यहाँ पढ़ लेते हैं। एक तो है ओनियन एक्सट्रैक्ट, प्याज, प्याज का जूस, या प्याज कहीं है बहुत सारा प्याज के बारीक बारीक कटा हुआ है, और उसकी स्मेल के आ रही है, और आपने उसकी उसके अंदर एसिड या बेस मिलाए, और यदि ये उसकी स्मेल चली जाती है, इसका मतलब है कि वो जो आपने अंदर मिलाया है सॉल्यूशन वो बेसिक होगा। मतलब प्याज के बारीक कटा हुआ प्याज है, उसमें आपने पहले एसिड मिलाया और उसको स्मेल किया, प्याज की स्मेल नहीं गई, फिर आपने उसी में क्या मिलाया, बेस मिलाया, तो प्याज की स्मेल चली गई। इसका मतलब प्याज हमें क्या बता सकता है, अपनी स्मेल के बेसिस पर कि वो एसिड है या बेस है। यदि आपको प्याज, आपने प्याज को बेस में डाला, स्मेल चली गई, इसका मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें आपने उस प्याज को ऐड किया है वो बेसिक है, और जिसकी स्मेल नहीं जाती है इस तो वो एसिडिक होगा। जो दूसरा एग्जांपल है वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला में भी सेम कंसेप्ट लगेगा जो प्याज में लग रहा है, यदि स्मेल चली गई तो बेसिक है, स्मेल नहीं गई तो एसिडिक है। आप लोग, आपके पास दो बीकर है, एक में एसिड है एक में बेस है, आपने वनीला को जिसमें डाला और डालने से उसकी स्मेल नहीं गई तो उस बीकर में एसिड होगा, और डालने से चली गई तो उस बीकर में बेस होगा बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों हो गया
सारे इंडिकेटर्स का बच्चों आज हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप ऑफ एसिड्स या एसिड्स का क्लासिफिकेशंस। बड़े काम का है बच्चों, ध्यान से पढ़ना इसे। तब तक आप इस स्लाइड को दोबारा देखें और पूरा देख लें बच्चों अब। और इस फिर मैं कह रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपके लिए आपके नोट्स हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लें और आपके एग्ज़ाम में ये आपकी नोट्स जो हैं ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इन नोट्स के अंदर बच्चों आप देखोगे तो न्यूट्रल मीडियम में भी कलर लिखे हुए हैं बच्चों, किसी भी इंडिकेटर्स का कलर न्यूट्रल मीडियम में कैसा होगा वो भी मेंशन किया है। जैसे लिटमस का कलर चेंज नहीं होता न्यूट्रल मीडियम में, टर्मरिक का कलर भी न्यूट्रल में चेंज नहीं होता, जो हमारे पास थर्ड इंडिकेटर था उसका भी कलर जो है इसमें मेंशन किया हुआ बच्चों। तो आप यहाँ देखें सब रेड के बेस का कलर भी रेड ही होता है, हाइड्रेंजिया का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। ध्यान रखना हाइड्रेंजिया का कलर न्यूट्रल मीडियम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है। उसके बाद फिनोफ्थलिन का कलर वाटर में कलरलेस ही होगा, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का भी होगा, ऑरेंज कलर का ही होगा। तो ये यहाँ दिए हुए बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने ये जो है स्लाइड देख ली होगी। मैं इसको हटा रहा हूँ और हम हमारे अगले टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। बच्चों चलिए आगे चलते हैं। तो जो बच्चों जो एसिड का क्लासिफिकेशंस किया गया है वो अलग अलग बेसिस के ऊपर है। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं एसिड का क्लासिफिकेशंस, हम पढ़ रहे हैं बच्चों एसिड का क्लासिफिकेशंस। काम की चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब है कि हमें वो एसिड कहाँ से मिला है। तो इसके बेस पर दो तरह के बच्चों एसिड है। फर्स्ट को कहते हैं हम बच्चों ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट मटेरियल से या एनिमल से मिलेंगे बच्चों, या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे। जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम हमारे घर में जो सब्जियां लेके आते हैं मार्केट में से, उनमें से सब्जियां या फल उनमें बहुत सारा जो एसिड है वो यही है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब कौन कौन से एग्जाम्पल है। फर्स्ट हमारे पास है श्योर मिल्क, जो खट्टा दूध है जिसे हम दही कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड का ये सोर्स हो गया बच्चों, श्योर मिल्क उसका सोर्स है। अगला हमारे पास बच्चों है श्योर मिल्क में लैक्टिक एसिड। इसी तरह से जो हमारे पास टोमाटोज है उसमें हमें क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सालिक एसिड मिलेगा। जो टेमरिंड है इमली, टेमरिंड में बच्चों हमें क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड। विनेगर जो है, विनेगर जो मार्केट में मिलता है, जहाँ हमारे घर में अचार बनाने में जिसे काम लेते हैं, उसमें हमें कौन सा मिलता है, एसिटिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, साइट्रस फ्रूट या कच्चे ग्रेप्स, जैसे लेमन है ऑरेंज है, उन्हें कहते हैं बच्चों साइट्रस फ्रूट, उनमें क्या मिलता है बच्चों, साइट्रिक एसिड मिलता है। और लास्ट बच्चों है रेड एंट, लाल चींटी जब हमें काट जाती है तो हमें जो जलन होती है उसमें कौन सा एसिड है, मीथेनोइक एसिड है बच्चों, या उसे हम क्या कह देते हैं कई बार, फॉर्मिक एसिड। और यहाँ मैंने ऊपर लिखा था एक एसिटिक एसिड का भी एक और नाम है बच्चों, इथेनोइक एसिड। तो ये सारे बच्चों मैंने क्या लिखे हैं, ये सोर्स लिखे हैं, और ये हैं उनमें जो इनमें जो मिलने वाला एसिड है। और ये सारे एसिड कौन से एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं। ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड है, जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलेंगे वो एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। काम की चीज़, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं और हम इन्हें खा सकते हैं, फिट टू ईट, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते बच्चों। ये सारे वीक एसिड हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो पहला हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक एसिड। अब अगला बच्चों हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक एसिड।
इनऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन है, तो इनऑर्गेनिक एसिड का एक और नाम है बच्चों मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कह दो या उन्हें आप क्या कह दो, मिनरल एसिड कह दो, तो सिंपल सा है। सेकंड में ऑन ये सोर्स के ऊपर ही है, मिनरल्स एसिड, मिनरल एसिड कहां से मिलेंगे, मेन मेड है, नेचर में नहीं मिलते, मेन हमने बनाए हैं, किनसे बनाए हैं, अर्थ में जो मिनरल्स हमें मिले हैं उनकी हेल्प से हमने बनाए हैं। तो क्या है, फर्स्ट मेन मेड है, सेकंड कैसे हैं, स्ट्रोंग होते हैं, वीक नहीं होते बच्चों, ये सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड हैं, ये स्ट्रोंग एसिड है। एक एसिड ऐसा है जो मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक है, और वो है बच्चों कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये नाम याद रखना, कैसे बना, वाटर के अंदर CO2 जोड़ दो, ये बन जाएगा बच्चों कार्बोनिक एसिड है। ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, लेकिन है कौन सा, ये मिनरल एसिड है। इस एसिड के अलावा बाकी सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। अगला अनफिट टू ईट, अनफिट टू ईट, इन्हें हम खा नहीं सकते, खाते ही ये हमारे स्टोमक को जला देंगे, ये बहुत खतरनाक एसिड है बच्चों, अनफिट है, अनफिट टू ईट है बच्चों, इन्हें हम खा नहीं सकते। और ये है हमारे पास मिनरल एसिड बच्चों, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, और ये यदि हमारे हाथ पे या हमारे कपड़ों पे गिर जाएं तो इनकी नेचर जो है वो कोरोजिव होती है, यानी हमें नुकसान पहुँचाएंगे उस कपड़े को या उस हमारे पार्ट के, जहाँ भी हमारे शरीर पे गिरेगा उसको जला सकते हैं बच्चों। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सोर्स के बेसिस पर दो तरह के एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का एक और नाम क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड भी है। अब बच्चों अगला क्लासिफिकेशन चलते हैं हम लोग, तब तक आप इस स्लाइड को देखें, इस स्लाइड में क्या है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में कुछ चीजें हैं बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, कौन कौन से एसिड पढ़ लिए, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अब ये किसके ऊपर बेस था, सोर्स के ऊपर। अगला जो बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो सिंपल सा है बच्चों, जो अगला हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो डिपेंड करता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या है समझते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ एसिड। क्या है डिसोसिएशन, पहले मैं ये समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल HCl के थे और इनको मैंने पानी में डिसोल्व किया, और पानी में डिसोल्व करते ही सारे के सारे टूट गए, H+ कितने बने 100, Cl- कितने बने 100, ये पहली कंडीशन। दूसरा मेरे पास बच्चों मान लो एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल थे, इनको मैंने वाटर में डिसोल्व किया और 100 में से केवल 4 मॉलिक्यूल ही टूटे, 4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ COO- और H+ ये कितने बने 4, ये कितने बने 4, कितने ऐसे हैं जो टूटे ही नहीं 96। इसका मतलब इसका जो डिसोसिएशन हुआ है वो बच्चों पार्शियली हुआ है, पार्शियली का मतलब है थोड़ा सा हुआ है, पार्शियली हुआ है, और यहाँ डिसोसिएशन कैसा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, सारे के सारे टूट गए हैं। तो जहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उसे बच्चों कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहाँ पार्शियली होता है उसे बच्चों हम कहते हैं वीक एसिड। और अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे कैसे हैं, वीक हैं, और जितने भी मिनरल एसिड हैं एक को छोड़कर वो सारे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनका डिसोसिएशन 100% होगा, सारे के सारे टूट जाएंगे, और इसका मतलब उनमें जो हाइड्रोजन आयन है वो भी ज़्यादा होंगे, और जो वीक एसिड है उनका जो डिसोसिएशन है वो पार्शियली होगा, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल टूटते हैं, तो उनमें जो हाइड्रोजन आयन है वो भी कम होंगे बच्चों। ये तो बच्चों हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन,
दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब बच्चों आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, फिर आप इसे देखें, इसके बाद हम तीसरे क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं। बच्चों आप इस स्लाइड को देखते रहें। जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो बच्चों बेस्ड है सॉल्वेंट के ऊपर, पानी कितना है उसके अंदर, उसके बेस पर है बच्चों। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा हम क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं बच्चों। तीसरे में हमारे किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो वापस आ जाओ बच्चों, मैं स्लाइड मैंने हटा दी इसे। फोर्थ जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वाटर। यदि किसी एसिड में मिनिमम वाटर है, जितना तो रहेगा ही रहेगा, उसे हम कम नहीं कर सकते, मिनिमम वाटर है या सॉल्वेंट है, वो बच्चों एसिड कहलाता है हमारे लिए। यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड, और जिसमें एसिड कम हो, यहाँ एसिड ज़्यादा है और वाटर मिनिमम है, यहाँ एसिड तो कम है लेकिन वाटर कैसा है, एक्सेस में है, वाटर इन एक्सेस में है, ज़्यादा है, उस कंडीशन में इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, डिल्यूट या डाइल्यूट, अलग अलग नाम है, डिल्यूट या डाइल्यूट। तो ये डाइल्यूट एसिड होंगे और ये बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड होंगे। हम कंसंट्रेटेड एसिड को किस में चेंज कर सकते हैं, डाइल्यूट में। कैसे करते हैं, बहुत सारा कंटेनर में बहुत सारा पानी ले लो, बहुत सारे पानी में ऊपर से क्या मिलाओ बच्चों, कंसंट्रेटेड एसिड मिलाओ, तो क्या होगा, ये जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है ये किस में चेंज हो गया, डाइल्यूट में चेंज हो गया बच्चों। और एक वर्ड है बच्चों याद रखना, डाइल्यूशन। क्या मतलब है इसका, किसी में भी क्या मिला दो, किसी में भी क्या मिला दो, वाटर मिला दो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। किसी में भी क्या, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पहले से कोई सॉल्यूशन ले लो, कैसा भी सॉल्यूशन ले लो, जी आप उसमें पानी मिला रहे हो तो आप उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हो बच्चों। तो बच्चों ये तीसरा क्लासिफिकेशन भी हो गया, किसके ऊपर बेस था, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला हमारे किसके ऊपर बेस था, सोर्स के ऊपर। सेकंड किसके ऊपर बेस था बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस था, डिसोसिएशन के ऊपर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो डिसोसिएशन के ऊपर बेस था, और जो बच्चों हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों तीन तरह का हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया है, और ये तीन ही तरह का बेसिक क्लासिफिकेशन है बच्चों एसिड का। फर्स्ट आया था मिनरल, ऑर्गेनिक, थर्ड स्ट्रॉन्ग, वीक, और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखें बच्चों। धन्यवाद बच्चों।